वाले देश के पहले म्यूजियम बिनाले की शुरुआत सोमवार को होगी। इसका आयोजन बिहार म्यूजियम पटना में किया जा रहा है। इस म्यूजियम बिनाले में दुनिया भर के कई बड़े म्यूजियम वर्चुअल मीडियम से जुड़ेंगे और म्यूजियम की खूबियों और विशेषताएं एक साथ देखने और समझने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे बिहार म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में कई देशों के विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह जमुई जिले के नागी पक्षी आश्रणीय में परिभ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने परिसर में नौका विहार का आनंद भी लिया। वहीं परिभ्रमण के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्रियों ने कहा कि यह पर्यटन स्थल आज पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है, जिसका पूरा श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कदम रख चुके हैं और उन्होंने जो कहा हम लोग चाहेंगे कि अक्षरशः वो पालन हो, और इसी के दृष्टिकोण से हम यहाँ आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ क्या कह के गए, क्या क्या वादा किए हैं, उन तमाम वादाओं को पूरा करना हमारा ड्यूटी है। और हमने अभी देखा भी कि प्रकृति के गोद में जिस तरह से होता है, ये झील है और काफ़ी सुंदर झील है और काफ़ी बड़े संख्या में यहाँ बर्ड्स आते हैं। अभी भी हम लोग जहाँ थोड़ा सा बोट से अंदर गए तो काफ़ी बर्ड्स निकल के जंगल की ओर जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि 130-135 टाइप के बर्ड्स। और कटिहार में हुए पोस्टर प्रकरण पर आरजेडी ने एनडीए पर हमला बोला है। आरजेडी नेता इकबाल अहमद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार महाभारत के धृतराष्ट्र बन गए हैं, क्योंकि सूबे में अपराध का बढ़ता ग्राफ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही कहा कि बीजेपी अब उन्हें अपने शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर रही है। दरअसल बीते रविवार को कटिहार के सदर अस्पताल में उद्घाटन समारोह में मंच पर लगे बैनर में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं होने के कारण जेडीयू नेताओं की त्योरियां चढ़ गई और जेडीयू के बरारी विधायक विजय सिंह ने नाराजगी जाहिर की। ये जो विधानसभा का घेराव हम लोग करने जा रहे हैं और बैनर पोस्टर का, ये जो जिस तरह की बिहार में जो सरकार चल रही है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड पर चलना मुश्किल है, जो बैकर गैंग की तरह जो चलते हैं, चैन लूट है, फिर आपको देखेंगे एटीएम का लूट है, व्यापारियों के हत्या एकदम इधर लगातार हो रही है, सत्ता का संग्रह पर आप शराब केंद्र आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मंत्री के घर और स्कूल से शराब जो बरादरी का हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पे जो आवाज़ को बुलंद की है उस पर भी जो है आप देख सकते हैं कानून।